हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई हो बच्चे होंगे। और आज मैं आप लोग से कुछ शेयर करना चाहूँगी, और गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। और गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग के कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से हम सब सही सलामत हैं। आज बड़े दुर्घटना होते होते रह गया है, और हम लोग सब सही सलामत वहाँ से वापस आ गए। आप सबके बीच में हैं, अपने बच्चों के बीच में हैं, अपने हस्बैंड के बीच में हैं, अपने फैमिली के बीच में हैं। आज एक्सीडेंट हो गया था, और स्कूटी खाई में चली गई थी, वहाँ एक गड्ढा सा था, वहाँ भी चला गया। इधर से बस आ रही थी, इधर से फोर व्हीलर थी, ज़्यादा चौड़ी रोड नहीं थी, जगह नहीं मिल पाया। हम अपने बच्चों को ले रखे थे, साइड होना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हो पाए, और चोट आ गई। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हमारे तो यहाँ आ गया है चोट, आप लोग देख सकते हैं, शायद ज़्यादा नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो, बाकी पैर वैर में आ गया है। और यही कहना चाहेंगे, गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग सही सलामत आ गए, और बैड न्यूज़ ये है कि आज बताओ, बड़ा दुर्घटना हो जाता तो क्या होता। हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग का यहाँ कौन है? हम लोग इतना दूर के रहने वाले हैं, लेकिन अपना परिवार छोड़ के, अपना घर छोड़ के हम लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि घर रह के किसी का कभी न चला है न चलेगा। बाहर आना बहुत ज़रूरी है, आप लोग समझ सकते हैं। और हम लोग का यहाँ पे कौन है? हम लोग अकेले ही तो हैं। आप लोग का प्यार है, सपोर्ट है, माता रानी को हम पूछते हैं, उनको ही जानते हैं, सबसे बड़ी कृपा उनकी रही हम सब पर कि हम लोग सही सलामत हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। और आप लोग से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोग एक लाइक करते हैं, एक कमेंट आते हैं, एक सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हमारा हिम्मत और हौसला और जुनून बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम एक एक सब्सक्राइबर का इंतज़ार करते हैं, एक एक सब्सक्राइबर देखते रहते हैं कि हमारे कितने बढ़े कितने नहीं बढ़े, समझ लो। इतना मेहनत करते हैं, रात में सोते रहते हैं तो लगा रहता है कि सुबह जल्दी से उठना है, जल्दी से काम करना है, सुबह वीडियो अपलोड करनी है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो फिर जाएंगे उसको वापस लेके आएंगे, बच्चों का टिफिन है, हस्बैंड का टिफिन है, घर के काम काज होते हैं, फिर भी हमने वीडियो बनाने की चाह रखी, चाहत रखी, एक हौसला, हिम्मत रखा, जुनून रखा कि हम भी कुछ करेंगे। और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर करेंगे, और आप लोग के प्यार के बिना, सपोर्ट के बिना तो हम अधूरे हैं। आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा है तो क्या हम दुनिया से अकेले थोड़ी ना हैं कि हम बढ़ जाएंगे? अगर कोई आज आगे बढ़ा है तो बिना सपोर्ट का कोई कुछ नहीं कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, समझ रहे हैं आप लोग? तो वही कहना चाहूँगी कि जैसे आप लोग सबका सपोर्ट करते आए हैं, सबका हिम्मत हौसला बढ़ाते आए हैं, तो वैसे मेरा भी सपोर्ट करिए, मेरा भी हौसला बढ़ाइए आप लोग, क्योंकि हौसला डाउन करने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं, बढ़ाने वाले बहुत कम मिलते हैं। और हम देखते हैं कि हमें लोग कितना प्यार करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम बाहर हैं, यहाँ पे कोई हो ना हो, लेकिन जितनी सब्सक्राइबर मेरी बढ़ती जा रही थी, उतनी लग रहा है कि मेरी इतनी फैमिली होती जा रही है, समझ रहे हैं? क्योंकि हम बहुत जल्दी, आप लोग को अपने वीडियो में बताए थे कि नर्वस हो जाते हैं, हमें इतना सा भी कोई बात होता है ना, हमारे बच्चों को, हमारे हस्बैंड को, हमको, तो हमें बहुत अकेलापन फील होता है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि हम बाहर हैं, अकेले हैं, क्या होगा, कैसे होगा। अब YouTube पे आए हैं तो YouTube पे जैसे मेरी फैमिली बढ़ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कोई मेरी बड़ी फैमिली है, सब सपोर्ट करेंगे मेरा, और हम इस लाइन में आ गए हैं तो कुछ अच्छा होगा तो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे, कुछ बुरा होगा वो भी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और कौन देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो मुझे रोकना पड़ेगा, क्या रोके, रहने दो, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं कौन है, बाद में देखेंगे। और जानते हैं फ्रेंड्स,
अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए हम अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं। अब सोचे कि घर में रह के वो हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते जितना हम बाहर लेके आए हैं, यहाँ कर लेंगे, इसलिए हमें बाहर आना पड़ा है। और हमारे बच्चे अगर पढ़ लेंगे लिख लेंगे, आप सबका आशीर्वाद रहा, माता रानी का आशीर्वाद रहा, सपोर्ट सहयोग रहा, तो जो कामयाबी हमने हासिल करने के लिए सोची है वो हम कर लेंगे। हमारे बच्चे पढ़ने लिख लें, हम ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे, हम नहीं पढ़ लिख पाए तो क्या हुआ, हमारे बच्चे पढ़ें, जो चीज़ हम नहीं किए वो हमारे बच्चे हासिल करें, क्या ये सोचना गुनाह होता है क्या, लोग बताइए। अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक तो कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लगे तो लाइक तो कोई करेगा ही नहीं, पर कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि तुम्हारी सोच गलत है, क्या हमने गलत सोच रखा है कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और हमारे बच्चे अपने पैरों पे हो जाएंगे, हम भी देखेंगे कि हम अपने मेहनत का फल अपने आँखों से देख रहे हैं, हमारे बच्चे इतना कामयाब हो गए हैं, हम उसी में खुश हैं, उसी में मेरी खुशी है, मेरे हस्बैंड की खुशी है। बाहर रहते हैं तो मेहनत करते हैं, नॉर्मल सी बात है, मेहनत करेंगे तभी आगे कुछ होगा, बिना मेहनत का तो कुछ होता नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, कर भी रहे हैं, आगे करेंगे भी, ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे बाहर आए हैं, तो कर्म कर रहे हैं, बाकी फल देने वाले तो आप सब हैं, भगवान हैं, माता रानी हैं, देखते हैं किस्मत कहाँ लेके आई है तो कहाँ मिलाती है, कहाँ क्या होता है हम लोग के साथ। और वीडियो को करते हैं एंड, अगर अच्छी लगी हो मेरी बातें किसी को तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी सोच यही रही है हमेशा से कि हमारे पास चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, जो भी है हम उसमें खुश हैं और खुश रहते हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों को यही समझाते हैं कि बेटा जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं उस दर्द से तुम लोग दोबारा ना गुजरो, और हम नहीं पढ़ लिख पाए जो चीज़ हम हासिल नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं तुम लोग भी हासिल ना करो, जो हम नहीं कर पाए वो तुम लोग करो, यही मेरा सोच है, यही मेरा सपना, मेरे बच्चे ही मेरे अब सपना है, यही लोग अब सब मेरा पूरा करेंगे, आप लोग समझ सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरी सोच अच्छी हो, तो आप लोग कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ओके बाय, अपना ख्याल रखना।